डॉक्टर साहब, पहले पानी जल्दी जज्ब हो जाता था नालियों में और अब खड़ा रहता है, और उसके साथ साथ उसकी जो बेड्स में पेनिट्रेशन है या जज्ब होने की सलाहियत है वो बेहतर हो गई है। सैंडी सॉइल्स में नॉर्मली बड़ी मुश्किल होती है पानी लगाना, क्योंकि सैंड के अंदर सैंड के ज़र्रात इतने बड़े होते हैं कि उसमें बहुत गुंजाइश होती है पानी को जल्दी से जज़ब होने के लिए। तो इसलिए सैंडी सॉइल में जो है ड्रिप इरिगेशन शुरू इस्तेमाल की जाती है, और ड्रिप इरिगेशन ज़ाहिर है उसका ख़र्चा बहुत ज़्यादा है और उसको मेंटेन करना और फिर उसको चलाना काफ़ी मुश्किल काम है। तो हमने एक उसका तरीका इम्प्रोवाइज़ किया था, एक लेक्चर जो हमारा सैंडी सॉइल के ऊपर है उसमें मैंने एक्सप्लेन किया था कि आप बाकायदा नॉर्मल तरीके से फरोज बनाएं और फरोज के अंदर बारीक जिप्सियम का छट्टा दे दें, और जिप्सियम का छट्टा आप दे देंगे तो जो ज़मीन के मसाम हैं वो चोक हो जाएंगे, बंद हो जाएंगे, और पानी जज़ब जो है वो सॉइल के अंदर नीचे नहीं जाएगा। सारा पानी या तो खड़ा हो जाएगा खेली के अंदर या साइडों में बेड्स के अंदर जज़ब हो जाएगा, जिसकी हमें ज़रूरत है। तो इन हमारे दोस्त काश्कार ने ऐसे ही किया और उनके बड़े अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, और पानी उन्होंने उनकी गुफ्तगू आप सुन लें तो आपको ज़ाहिर होगा कि ये एक अच्छा तरीका है सैंडी सॉइल में, जहाँ पे रेत बहुत ज़्यादा है और उसमें पानी, क्योंकि पानी का पहुँचाना खेली के अंदर लगाना ही बड़ा मुश्किल काम होता है, तो उसको आसान करने के लिए ये आप तरीका का इस्तेमाल करें। बहुत शुक्रिया।